एवरी वेलकम टू ऑल दिस इज दिव्या एंड यू आर वाचिंग डिवाइन एक्सप्रेस सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे वेबसाइट के बारे में जिसका नाम है बाटल बी बाटल बी भी ठीक शेक की तरह ही है शेक के बारे में अगर आप नहीं जानते हो या आपने उसके रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे अवेलेबल है आज हम लोग बात करने वाले हैं बैटल बी के बारे में बैटल बी एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए होते हैं और यहाँ पर काम कैसे होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स से जुड़े हुए होते हैं उनको अपने सब्जेक्ट्स से रिलेटेड कुछ डाउट्स होते हैं वो डाउट्स वो आपसे पूछते हैं क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा इनके डैशबोर्ड पर और उसको आपको सिंपली पिक करना है पिक करने के बाद आपको स्टेप बाई स्टेप सॉल्यूशन लिख करके उस पर पोस्ट कर देना है यही आपका सिंपल सा काम होगा यहाँ पे आपको किसी भी तरह से वन टू वन इंट्रैक्शन करना नहीं है या फिर उन्हें बोल कर नहीं समझाना है हैंड रिटर्न आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है और पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी अर्निंग यहाँ पे होती है अगर मैं बात करूँ पे आउट की तो अगर मिनिमम टू मिनिमम अगर मैं बात करूं तो एटी रुपीज़ मैक्सिमम टू मैक्सिमम वन एटी टू टू हंड्रेड रुपीज़ अर्न कर सकते हो डिपेंड करता है द लेवल ऑफ क्वेश्चन और साथ में आपके सब्जेक्ट के क्यू एन एक्सपर्ट हो इस वेबसाइट पे उस पर भी डिपेंड करता है ठीक है तो जो पे आउट है वो वेरी करता है अकॉर्डिंगली उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपको यहाँ पे क्यू एन एक्सपर्ट बनना है तो सिंपली आपको गूगल में जाना है गूगल में जा करके टाइप करना है बाटल बी एक्सपर्ट जैसे ही आप टाइप करोगे आपके सामने कुछ आ जाएगा इस तरह का इंटरफेस फर्स्ट लिंक जो आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करना है क्लिक करने के साथ ही खुल जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले जो पहला स्टेप होगा वो रजिस्ट्रेशन का होगा जिसमें आपको रजिस्टर करना होगा काफ़ी बेसिक से इंफॉर्मेशन आपको डालना होगा लाइक मोबाइल नंबर ई मेल अपना नाम और क्वालिफिकेशन वगैरह काफ़ी बेसिक से इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डालना है एंड देन सेकेंड स्टेप जो होगा वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग का है यानी कि आपको देना होगा एक टेस्ट यहाँ एक्सपर्ट बनने के लिए देना होता है एक टेस्ट जिसमें आपको दो सब्जेक्ट चूज करने हैं आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि हाँ जरूरी नहीं है कि जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएटेड हो वही सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे आप जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो लाइक अगर मैं बात करूँ तो मैं अपना तो अगर मैं बायोलॉजी एंड सीएस कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं दो सब्जेक्ट चूज़ कर सकती हूँ बट मुझे जो आंसर टेस्ट देना होगा वो सिर्फ़ एक ही सब्जेक्ट का देना होगा ठीक है तो आप दो सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो लेकिन एक सब्जेक्ट का आपको टेस्ट देना होगा टेस्ट का ड्यूरेशन नाइन्टी मिनट्स के होते हैं और क्वेश्चन uh, टोटल 15 क्वेश्चन पूछ जाते हैं अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो एटलीस्ट आपको 10 क्वेश्चन करेक्ट करना है ताकि आप इजिली इस टेस्ट को पास uh, कर जाओ एक चीज़ और कि यहाँ पे डिपेंड करता है और वेरी करता है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कि आप किस सब्जेक्ट के लिए टेस्ट दे रहे हो, हो सकता है कट ऑफ उसका ज़्यादा हो या कम भी हो सकता है बट मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ तो एटलीस्ट आपको टेन क्वेश्चन के आंसर सही करना है इसलिए आप टारगेट ले करके उस टेस्ट को दे सकते हो इस टेस्ट को देने के लिए आपके पास थ्री अटैम्प्ट होते हैं यानी तीन अटैम्प्ट आप ले सकते हो पहला बार में नहीं क्लियर तो दूसरा या तीसरा ले सकते हो ठीक है एंड देन जैसे ही आप टेस्ट क्लियर कर लेते हो उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको करना यही है कि आपके जो कॉलेज की डिग्री है वो और साथ में गवर्नमेंट सर्टिफिकेट जो भी है आधार कार्ड पैन कार्ड वो आपको अपलोड करना होगा उसके बाद आपकी होगी ट्रेनिंग ट्रेनिंग जो होती है वो फिफ्टीन मिनट्स की वीडियो होंगी जिससे आपको देखना होगा केयरफुली एंड उसी वीडियो को देखने के बाद आपसे लिया जाएगा एक और टेस्ट जिसमें आपको उसी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो वीडियो होती है वो कंपनी के गाइडलाइंस टर्म्स एंड पॉलिसीज से रिलेटेड वीडियो होती है जिसे आपको पढ़ना होता है और समझना होता है और बेसिकली आपको उसमें बताया भी जाता है कि उनके डैशबोर्ड में आपको किस तरह से वर्क करना है और स्टूडेंट के साथ कैसे बिहेव करना है ठीक है आ, तो इस वीडियो को आप जैसे ही देख लेते हो फिफ़्टीन मिनट्स टेन टू फिफ्टीन मिनट्स की वीडियो होती है इस वीडियो को देखने के बाद आप हंड्रेड क्लियर कर पाओगे इस टेस्ट को बहुत ही ईजी टेस्ट होता है ठीक है और इसके आपको दो मिलते हैं एंड जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है आपको मेल रिसीव होगा एक इस तरह का जिसमें आपको लिखा हुआ रहेगा कि आपने जो टेस्ट है वो केयरफुली क्लियर कर लिया है और आई थिंक फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज विद इन फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज आपको ये लोग ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड मैसेज सेंड कर देंगे uh, मेल आपको रिसीव हो जाएगा बेसिकली ठीक है तो एक चीज़ और कि यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसीज़ है अगर उस सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट का आपने टेस्ट दिया है उस सब्जेक्ट की वैकेंसी होगी तो आपको जल्दी ये लोग हायर कर लेंगे अदरवाइज टाइम लग सकता है वन मंथ टू मंथ जब तक कि उस सब्जेक्ट की वैकेंसी ना आए इसलिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप इनके वेबसाइट पर जा करके जो इनका ऑफिशियल ई है ठीक है उस ई एड्रेस पर आप मेल कर दो और पहले तो पूछ लो कि आप जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो जो के लिए आप क्यू एन एक्सपर्ट बनना चाहते हो उस सब्जेक्ट की वैकेंसी है या नहीं है डेफिनेटली ये लोग आपको रिप्लाई करेंगे उसके रिगार्डिंग एंड अगर होती है वैकेंसी तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर करके टेस्ट दे सकते हो और उसके बाद आप क्यू एन एक्सपर्ट यहाँ पर बन सकते हो पेमेंट जो होता है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है सो डोंट वरी अबाउट दैट एंड बाटल भी एक जेन वेबसाइट है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग वर्क कर रहे हैं और आप भी कर सकते हैं और अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हैं आ, ये खास करके स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेहतर होता है जैसे शेग हो गया और बाटल भी है टॉपर डॉट कॉम है या ट्यूटर्स है इस तरह के वेबसाइट्स पे स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट होता है अदरवाइज़ अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो या अपने खाली टाइम में थोड़ा सा स्पेंड करके कुछ अर्न करना चाहते हो तो डेफ़िनेटली इन सारे वेबसाइट्स के साथ आप जा सकते हो ये जेनविन है और आप काम करके यहाँ से डेफिनेटली अर्न कर सकते हो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है तो आई होप कि मैंने आज के इस वीडियो में जो भी बताना था मैंने बता दिया है अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है इससे रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो आ, मैं आपका दाव, आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करूंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो बाय बाय